आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 6 वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें इसी क्वेश्चन का एक बेसिक वर्जन है। तो उस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। तो सबसे पहले इन तीन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं नंबर्स, जैसे 2, 3, 4, 7, 8, 9 एक साथ आ रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब ऐसे मल्टीपल जो लगातार आए हैं, जैसे 4, 8 एंड 12, ये मल्टीपल्स हैं 4 के और लगातार आ रहे हैं, इनके बीच में और कोई 4 का मल्टीपल अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही जैसे 3, 6 एंड 9, 9, 12 एंड 15, ये 3 के मल्टीपल्स हैं जो लगातार आ रहे हैं। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हो सकते हैं 3 के और ये 4 के। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। अब यहाँ पे एक नंबर है, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, तीनों नंबर्स हैं कोई, उनका सम जो है 888 है। तो नंबर्स की जगह मैंने अभी ब्लैंक लिया है जिससे आपको इक्वेशन बनाने का तरीका समझ आए। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, तीनों को प्लस करोगे, उनका सम 888 है। ये नंबर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये मल्टीपल है 8 के। तो अगर मैं एक नंबर को एक्स ले लूँ तो वो 8x होगा। क्यों होगा, देखो ध्यान से इस चीज़ को समझना। अगर वो नंबर 1 है तो यहाँ पे एक चीज़ दी है कि वो 8 का मल्टीपल होगा। तो यानी अगर नंबर 8 है, 8 का मल्टीपल फर्स्ट 8 ही होता है, अगर वो नंबर 8 है तो ऑब्वियसली 8 × 1 हो रहा होगा, ठीक है, यानी इसके साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाइड है। अगर ये फर्स्ट नंबर 16 भी है, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 8 इज 16, अगर 16 भी है तो 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी यहाँ पे कुछ नंबर होगा जो हमें नहीं पता। तो कोई भी 8 का मल्टीपल हो, 8 यहाँ पे ज़रूर होगा, सिर्फ जो चेंज होगी वो ये वाली वैल्यू होगी जिसको हमने एक्स लिया है, ठीक है। तो इसीलिए 8 का मल्टीपल है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमें नहीं पता, यानी कितने नंबर पे है वो मल्टीपल वो नहीं पता है। तो 8x जो है फर्स्ट नंबर हुआ। सेकंड नंबर क्या होगा, 8 का ये एक्स प्लस वन, एक्स में एक आगे बढ़ा दो, अगला मल्टीपल ऐसे ही आएगा, जैसे देखो 8, 16 एंड 24। तो पहला नंबर अगर ये है 8 × 1 8 है, तो सेकेंड होगा 8 × 2, कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि, नेक्स्ट होगा 8 × 3। तो एक्स जो है वो एक एक बढ़ रहा है, तो इसीलिए एक्स को आप एक एक बढ़ाओगे, एक्स प्लस 2, उसके साथ 8 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यानी पहला नंबर होगा 8x, दूसरा कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 होगा एक्स प्लस 1 × 8, तीसरा होगा एक्स प्लस 2 × 8, पूरे को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि तीनों ही नंबर्स 8 के मल्टीपल हैं और ये कॉन्जिक्यूटिव है, इसीलिए एक्स बार बार ऐड हो रहा है। तीनों का सम 888 है। अब हमारी इक्वेशन तैयार है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 8x + 8x + 1 + 8x + 2 = 888। यहाँ तीनों से 8 को आप कॉमन ले लो, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। तो तीनों में से 8 कॉमन लिया तो मेरे पास बचता है x + x + 1 + x + 2 = 888। ये 8 उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये 3x है तो 3x + 1 और 2 = 3, 888 के नीचे आ जाएगा 8, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 3x + 3 = 111, 3x = 111 - 3, ये प्लस 3 है उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 3x = 108, x = 108 / 3, ये 3x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आती है आपकी 36। तो इसको कैंसिल करोगे तो यू विल गेट 36। यहाँ आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर आपका है 8x, तीनों नंबर्स निकालने हैं। तो फर्स्ट नंबर 8x है तो 8 × 36 करोगे, सेकेंड नंबर आपका 8x + 1 है तो 8 36 + 1 करोगे, और 8x + 2 है, 8 36 + 2 करोगे। इनको सॉल्व करो, आपके नंबर्स आ जाएंगे।